मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अगर आप देखना अम्मा, नवाब नवाब बन के दिखाएगी, देखना। हाँ, लेकिन वो जल्दी से शादी की तारीख मांग लेना, ताकि मेरी सर जल्दी जल्द में घर की हो जाए। हैं? तुझे तो पता है ना, सबकी नजरों में आ चुके नजर लगती है। सही कह रही हो, लेकिन देखना, कोई सोच भी सकता था सना की शादी हमारे हमजा से होगी? हो गई ना मंगनी, ऐसे ही फटाफट शादी भी हो जाएगी। ये बात तो सच है, जो भी किया है ना वो मेरी नानो ने किया है। कैसे पासा पलट दिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आता। वैसे मैं कभी झूठ तो नहीं, मेरा मतलब झूठ बोलती हूँ, लेकिन छोटे छोटे से झूठ बोलती हूँ। तब बड़ा झूठ मैंने पहले कभी नहीं बोला था, लेकिन मेरी सना की मोहब्बत में मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। चाहती थी अम्मा, दानिश की मौत इसी तरह लिखी थी। बकवास बंद कर, खबरदार जो मेरी बेटी का नाम लिया होगा अपने गंदे मुंह से, मैंने उसके की जीत चाहता है इसी सरों से उसकी जबर खत्म करूंगा। नहीं, तुम तो ठंडी हो जाओ, अभी बोलो, मुंह तोड़ दूं? नहीं, आज नहीं, कल। कल? बस नानी ने बोल दिया कल। आज भी मेरा मूड बहुत अच्छा, तुम्हारा मुंह भी गलगले छोड़ देता। फिलहाल एक प्यारी सी बीवी बनकर यार होकर मेरे साथ चलो, खाने पर जाएंगे, साथ बैठेंगे, थोड़ा वक्त स्पेंड करेंगे। मैं तुम्हारे साथ कहीं जाना पसंद नहीं करूंगी। कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। हमारा दानिश इतनी उम्र लिखवा कर लेकर आया था। हक है तेरा, मांग गाड़ी, वरना दे तना और भेज इस रानिया की बच्ची को तलाक देके इसके घर वापस। इतनी मुश्किल से तो मेरी शादी हुई है उससे, तलाक तो मैं नहीं देता। सुन लिया? बार बार बोली हूँ कि यहाँ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं और नानो जाकर बात कर लेंगे। हाँ, ससुराल में बीवी में और जाएंगे दूसरे, जहाँ मेरी रानिया जाएगी वहां तो मैं जरूर जाऊं। जहां मेरी रानी आ जाएगी वहां तो मैं जरूर जाऊंगा। दूसरे कौन के नीचे मैं एक बेगैरत छोरू का गुलाम जन मुरीद? मैं बता रही हूँ तुझे मर्द बन, कि जो तेरे डोले छोले बने हैं, ये तेरी खिलाई पिलाई की इतनी जान बनाई है, इसलिए बनाई है कि बीवी के सामने तू मीनी करता फिले है। बिलोंगड़े क्यों नहीं आवाज निकालता? बोल बोल, गाड़ी चाहिए वरना भेज इसे वापस। सारी खिलाई पिलाई, जितने आलू खिलाए अंडे खिलाए सब जाए, मुंह फुस, एक जबान ही नहीं खुलती। बोलना मरद बन मरद, सुन ले। अगर ये मौत का बहाना ना बनता तो शायद कोई और बन जाता। उसे जाना था, वो चला गया, इस बात को तस्लीम कर लो। मरना चाहती है ना? नहीं जीना चाहती ना, तो हम में से कोई भी नहीं जीना चाहता। तो बेहतर ये होगा कि हम सबको जहर दे के ना हमें मार दें। इसमें जुबान चलने लगी, अभी बता तुम। क्या कर लोगे तुम? हाथ क्या कर लोगे तुम? निकल यहाँ से, निकल जाओ तुम लोग सारे के सारे यहाँ से। हाथ मत लगाना मुझे अब। नहीं, क्या सब बताता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, जुबान चल रही है। और जान से मार दूंगा मैं इसको। दानिश और मार इसे, और मार, सूख के रख। ऐसी गुम चोट मारना इसको, इसे लगे पता। क्योंकि सबके सामने बातें करके तो आप महान बन गए, मगर ये जिल्लत भरी जिंदगी हम नहीं जी सकते और नहीं हम सबकी बातें सुन सकते। Oh, my God.
ये जो नवाब है ना, ये बहुत बड़ा नासूर है, उसी की वजह से सब कुछ हुआ है। आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसी औरत से क्या कहता जिसने जिसने अपने बेटे की मौत का परवाना खुद अपने हाथों से लिखा हो। कुछ दिनों से तुम्हारे दिमाग के स्क्रूज कुछ ढीले हैं, बट एनीवेज मैं आज सब कुछ माफ करने के लिए तैयार हूं, बहुत खुश हूं। क्यों? अगले फ्राइडे तेरे भाई की एंगेजमेंट रानिया के साथ। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे घर यही तो बताने के लिए आया था, लेकिन जनाब है उन्होंने मुझे उस दिन लिफ्ट ही नहीं कराई। खैर यार, मैं बहुत खुश हूं यार। मैं कितना लकी, जिससे मोहब्बत करता था वो फाइनली मुझे मिल गई। सो लकी है। मैं तो कहती हूँ दानियाल के घर से उनको निकाल बाहर करें। अब तो रानिया का भी उन लोगों से कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। समान 100 बरस का, पल भर की खबर नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा ताया अब हूँ, तुम्हारे बाप की जगह। दिल की बात अगर कहना चाहो तो आप मुझसे कर सकती हो बच्चे, कभी भी। जी ताया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी तो जिंदगी का मुहाज लड़ना बाकी है।